हेलो फ्रेंड्स, राज टैटो की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो आप अपनी पुरानी ज़मीन की कागजात कैसे आप निकाल सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गांव से बिलोंग करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं, और आप चाहते हैं जो मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कॉमेंट करके जो आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने जैसे ज़मीन के कोई भी पुराना कागजात है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा भूमि जानकारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया भूमि जानकारी, तो भूमि जानकारी सर्च करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर इस वाले वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है भूमि जानकारी। और आपको ऐसी फॉलो करना है, बिल्कुल देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन हो जाएगा इसका। यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेलेक्ट करना है आपको। तो मान लीजिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये सर्च कर लेता हूँ, भोजपुर सर्च कर लेता हूँ, आरा भोजपुर। और प्रॉपर्टी लोकेशन, किस लोकेशन में आपको प्रॉपर्टी पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे आरा भोजपुरी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको सर्कल जो है आपका सेलेक्ट करना है किस एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो जो भी उस ज़िला के अंदर जो भी जितने भी गांव पड़ते होंगे सर्कल के अंदर, तो सारे गाँव यहाँ पर शो कर देगा। तो कोई सा भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको मोजा, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके गांव जो हैं, गांव का जो नंबर होता है उस हिसाब से इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव पड़ते हैं वो गांव यहाँ पे शो कर देगा गांव नंबर के हिसाब से। तो आप अपना गांव जो भी हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद आपको ये फॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद दूसरा पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए जैसे कि यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर व्यू डिटेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यह सारे जितने भी गांव के अंदर जितने भी आपका ज़मीन है और जगह है, जितने भी लोग हैं सबका यहाँ पे नाम शो कर देगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर, सेकेंड पर और ये थर्ड पर, तो इसमें काफ़ी सारे हैं। अगर आपका और जैसे फर्स्ट पर नहीं मिलता है तो आप नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नंबर लिखा हुआ है। तो अलग अलग पेज पे जाके आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक ज़मीन का कागज़ आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इस नाम जैसे ये है मनोज कुमार, ठीक है, तो मैं इनका जैसे यहाँ निकालना हो तो यहाँ पर व्यू डिटेल पर हम क्लिक कर लेंगे। तो देखिए जैसे व्यू डिटेल पर हम क्लिक किए वैसे ही यहाँ पर ज़मीन का जो पेपर जो होता है यहाँ पर आ गया है, ये किसके नाम था और अभी किसके नाम है, तो मनोज कुमार का नाम था, ठीक है। और नीचे की तरफ जो इसका जो सेकंड मेंबर होता है ज़मीन का, तो उसका भी नाम यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो दो लोगों के नाम है ज़मीन, और ज़मीन का जो यहाँ पे रेट है और कितना ज़मीन है, यानी कि गांव में कट्ठा बोलते हैं तो कितना कट्ठा ज़मीन है और इसका वैल्यू क्या है वो यहाँ पर शो कर देगा आपको। और हर एक चीज़ यहाँ पर दिखा देगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट में कौन कौन लोग रहते हैं, मतलब आपकी ज़मीन के आसपास में कितने लोग रहते हैं, इससे आप अपनी ज़मीन को फाइंड कर पाएंगे जो ये आप ही का ज़मीन है। और यहाँ पे पूरा नाम के साथ शो करता है और एरिया सारा चीज़ यहाँ पे शो कर देगा। और रजिस्ट्रेशन कब हुई थी, ऊपर की तरफ आपको डेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब हुई थी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे तो प्रिंट नाउ पर आप क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इसका PFD फाइल अवेलेबल नहीं है अभी, अवेलेबल होता तो आप उसे डाउनलोड कर लेते, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं अपने प्रिंटर से कनेक्ट करके। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है आप किस तरीके से ज़मीन के कागज़ निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और आप चाहते हैं जो मैं इस तरीके की और भी वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, तो मैं और भी कोशिश करूँगा आपको अधिक जानकारी दे सकूँ गाँव के लिए। और आप किसी गाँव से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं जो अपने गाँव के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप पाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं है, गुम हो गया है, बनवाना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से करना है मैं आपको हर एक वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिस सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक से। जब तक के लिए बाय बाय।